सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम फिर से देखने जा रहे हैं मीम मिनाटी के चैनल से कुछ पटपटे पटपटे वाले मीम्स, और आज हम सबको हंसाने वाले हैं, पेट दर्द होने वाला है आप सभी का। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हैं, पहले हम मीम्स देख लेते हैं और फिर करेंगे बातें। और आई होप ये मीम्स हमारा बहुत ही अच्छा निकले, जिसमें हम आपको पूरा एंटरटेनमेंट कर सके, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए देख लेते हैं, लेट्स गो। मेरे भाइयों क्या हाल चाल है तुम्हारे, तो आज की वीडियो कतई फाड़ू होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो इसको दिल पर बिल्कुल भी मत लेना, सिर्फ वीडियो के मजे लेना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा देना। तो आओ यार, हेडफोन लगाओ और शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। एक्चुअली मैं झुकती नहीं हूँ, मेरे पीठ में दर्द होता है, ये बोलना। हाँ, और वैसे सामने इतना झुकना भी नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट लड़के अंदर ये एक्चुअल गाड़ी है कि मतलब इंजन में? अरे गाड़ी है, हेलो ना, तो मैं टॉय कार लेके उठाऊंगा और रिक्शा पे डालूंगा। ओरिजिनल कार है, 280 तो कैसी लड़की चाहिए, आइडियल लड़की कैसी होनी चाहिए? मियाँ खलीफा, मियाँ खलीफा लड़की है क्या? और क्या वो? आपको पता ही नहीं है वो कौन है? लड़की है वो। अच्छा, आपको वो बहुत पसंद है? और एक और शख्स लेजेंड, सर जॉनी सिंस। बहुत पसंद है, और ये मुझे दोनों का ही नहीं पता। झूठ, झूठ बोल रही है तू। 10 साल बाद अपने आपको कहाँ देखते हैं? क्रिकेट ही खेलते रहना है, कमाएंगे कहाँ से, खिलाएंगे कहाँ से? नहीं, मैंने आपको बताया एक शख्स से, भाई पैसू मैं इलेक्ट्रिशियन भी बनना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिशियन भी, डॉक्टर भी, प्लम्बर भी। मुझे कुत्ते ने बुलाया, मुझे गधे ने बुलाया, मुझे कौवे ने बुलाया, उफ, मुझे तो किसी ने कुछ करने ही नहीं दिया। तू समझा, ये कोई आ रहा है? नहीं ताश। ओके जीन, नहीं ताश। ओके सील हम तोड़े। ओके, सील आप तोड़िए। बेस्ट ऑफ लक। पॉन देखने के 5 साइड इफेक्ट बताता हूँ। नंबर 1 इज मेमोरी लॉस, एंड नंबर टू इज दोस्तों, आज सच में मैं अपनी बंदी से मिलने जा रहा हूँ। हकीकत में कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, और उसने बस बोला था 200 रुपये लेके आना, रेड लाइट के पास बुलाया एक्चुअल में, और ये मैं, और ये लगता है दोस्तों यही है फाइनली। हेलो सर, कितने बड़ी देर लगा दी कि माता चुदे क्या हो गया? प्रैंक हो गया। बस ये रहना है। आप क्या काम करते हैं? बाहु कुछ नहीं बोलने का, अपन जो बता रहे ना बस उसको रिपीट करने का। अपना बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अपना। मैडम अपन बिजनेसमैन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं अपन। इनफैक्ट मैं भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने का सोच रही थी। सर क्या चाहिए? ये क्या है भाई, ये क्या है यार, मतलब कुछ भी
ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों? ये सब क्या तो आ चुका हूँ मैं आज स्कूल के बाहर बच्चों से जानने के लिए कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो चलिए जानते हैं बच्चों से। तो आपका नाम क्या है? अनुराग। अनुराग, अनुराग जी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। देखो कभी कभार सर जी आते नहीं है, कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं आते, ठीक लगता है लेकिन। अच्छा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लोगों की वाइट ड्रेस है, मतलब सरकारी स्कूल के ही आप सब? हाँ, हम सब सरकारी स्कूल के ही। भाई बंदी तो प्राइवेट थी, पता ही है इतने। तो जब मैं कमरे में गई और मैंने, जाहिर आप पहली चीज करते हैं आप पर्दे खोल दें कि आप व्यू देखें क्या है। ये आप करते होंगे, हम पहली चीज लड़के जाके होटल में ये नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं? समझ रहे हो? आप लोग क्या करते हैं? I want to know अब तुम क्या करते हो। हाँ, हम लड़के जाके पहले कैमरे देखते हैं कहाँ लगे। समझ गई। आराम ही हो बेटा। अब हम इसको जोर से मारेंगे तो खुल जाएगा, ठीक है? 3, 2 क्या होता है कि अगर तुम इसको दबाओ तो इसके अंदर की जो एयर है ना, दैट बिकम्स लाइक अ रॉक। इसको वैक्यूम नहीं, वैक्यूम अगर होता मैं अब इसके अंदर वैक्यूम। सर मैंने हवा चूस ली इसे। मैं भी ट्राई करूंगी। यू आर गुड एट दिस। इससे जॉलाइन बनती है। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी आई है अभी तक? समझ रहे हो? अरे भाई तो दबी है। यहाँ पे देखिए हमें एक दिखा है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बीसी चाय वाला यहाँ पे दिखा है। तो आइए इनके ऑनर से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मतलब ये बीसी चाय वाला क्या है और इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, आप ही मालिक है यहाँ के? जी मैं। तो ये बताइए कि जो हमने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग नाम देखा बीसी चाय वाला, इसका मतलब क्या है? जी इसका मतलब है बैचलर ऑफ कॉमर्स चाय वाला। अच्छा, इसका मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स है। हमको लगा कि बहिंचो चाय वाला है। माय प्लेजर। ये क्या कर रहे हो तुम? रिलैक्स। सीधी सादी लड़कियों का काम करना मुश्किल हो गया है। सैम देखना कितनी सीधी सादी है। क्या मिसबिहेव किया तूने इसके साथ? इससे पूछ क्या कहा इसने मुझसे। क्या कहा आपने इनसे? मेरी ले ले। सुना तूने? किस आदमी से डायलॉग बोल दिया आपने? He doesn't know how to behave। मुझसे कहती? तुम दोनों ठरकी हो। और मेरा नाम मैरी है और मेरे हस्बैंड का नाम रमाकांत ले ले। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हां, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और भाई सच में बहुत मस्त मीम बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत ही मजा आया देखने में और बहुत ही एंटरटेनमेंट हुए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कोई अच्छा सा। और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए बढ़िया बढ़िया मीम्स ढूंढ के लाते रहते हैं। तो जल्दी से जल्दी एक कमेंट करके बता दीजिए कि आपको किस चैनल से मीम देखना है, तो हम उसी चैनल से मीम ला देंगे। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राम।